प्यारे बच्चों अस्सलाम वालेकुम। हमने दूसरे भाग में देखा कि बच्चे मेला देखने गए और कई दिनों के बाद खान साहब हींग बेचने के लिए आया। सावित्री उसकी प्रतीक्षा कर रही थी। अब हम तीसरे परिच्छेद में देखेंगे, बच्चे सुबह से ही मेला देखने के लिए रामू के साथ में गए हुए थे। अब सावित्री बच्चों के आने की प्रतीक्षा कर रही थी। इसी बीच आंगन में जब सावित्री खड़ी हुई थी, कुछ लोग उसे भागते हुए दिखाई दिए। सावित्री ने उनसे पूछा कि क्या हुआ भाई, तुम क्यों भाग रहे हो? उसमें से एक ने कहा कि गांव में बहुत भारी दंगा हो गया है और हम अपनी जान बचाकर भाग रहे हैं। ये सुनते ही सावित्री के पैर हाथ पैर फूल गए और वो घबराने लगी और मन ही मन ये कहने लगी कि मैंने बच्चों के पिताजी की गैर मौजूदगी में बच्चों को रामू के साथ में मेला देखने के लिए नहीं भेजना चाहिए था। फिर थोड़ी देर बाद फिर कुछ लोग भागते हुए आए। उसमें से एक आदमी से सावित्री ने ये कहा कि भाई तुम मेरे बच्चों को मेले से वापस ला दो, अगर तुम मेरे बच्चों को वापस ला दोगे तो मैं तुम्हें भारी रकम इनाम में दूंगी। उस आदमी ने कहा अम्मा मैं उस भीड़ में बच्चों को कैसे पहचानूंगा, जबकि सब लोग अपनी अपनी जान बचाकर भाग रहे हैं, इतनी भीड़ में मैं तुम्हारे बच्चों को कैसे पहचानूंगा। वो ये कहते हुए आगे बढ़ गया। अब सावित्री मन ही मन ये कह रही थी कि मैंने क्यों बच्चों को मेले में भेज दिया, और वो रोने लगी। और बच्चों के आने की प्रतीक्षा कर रही थी और बच्चों के आने की प्रतीक्षा कर रही थी। इसी बीच उसका दिल बहुत बेचैन हो रहा था। तो सावित्री ने क्या देखा कि एक आदमी जो तीनों बच्चों को साथ लेकर बाहर आकर खड़ा है, उसने बाहर आकर देखा तो वही खान साहब हींग वाला था। उसने जैसे ही बच्चों को देखा वो खुश हो गई और उसने खान साहब से कहा तुम्हारा बहुत शुक्रिया जो तुमने मेरे बच्चों को बचाकर उस दंगे से, उस मेले में मेरे बच्चे गए थे उस दंगे से तुमने उन्हें बचा दिया, मैं तुम्हारी एहसानमंद हूँ। और ये कहते हुए वो बच्चों से लिपट गई और बच्चों ने ये कहा कि अम्मा खान साहब बहुत अच्छे आदमी हैं,